द अल्टीमेट चैनल में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो दोस्तों, जर्मन शेफर्ड तो हर किसी का फेवरेट ही होता है। तो आज के वीडियो में हम आपके सामने एक क्विज लेके आए हैं, जर्मन शेफर्ड क्विज। जी हाँ दोस्तों, हम आपसे 10 सवाल पूछेंगे और उसका जवाब देंगे आप, और इस वीडियो के बाद पता चलेगा कि आप कितना जानते हैं जर्मन शेफर्ड ब्रीड के बारे में। तो क्या आप तैयार हैं इस क्विज के लिए? मेरा एक आग्रह है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। द अल्टीमेट चैनल आप सबका फेवरेट चैनल, इसको सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, जो भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा उसके लिए मैं 5 सेकंड का टाइम दूंगा आपको। आपको अगर जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्विज को। दोस्तों, आपका पहला सवाल, जर्मन शेफर्ड्स आर मेंबर्स ऑफ विच डॉग ब्रीड ग्रुप? कौन से डॉग ब्रीड ग्रुप का मेंबर है जर्मन शेफर्ड? स्पोर्टिंग ग्रुप, वर्किंग ग्रुप, हर्डिंग ग्रुप या फिर हाउंड ग्रुप? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है जर्मन शेफर्ड हर्डिंग ग्रुप का सदस्य है। इसको शीप्स को हर्ड करने के लिए ब्रीड किया गया था। तो दोस्तों, अगर आपका जवाब सही है तो कमेंट बॉक्स में लिखो। आपका दूसरा सवाल, विच इज अ कॉमन जॉब रोल फॉर जर्मन शेफर्ड्स? जर्मन शेफर्ड्स के लिए कौन सा जॉब रोल कॉमन होता है? पुलिस डॉग, गाइड एंड असिस्टेंस डॉग, सर्च एंड रेस्क्यू डॉग या ऑल ऑफ द अबव? तो दोस्तों, इसका जवाब है ऑल ऑफ द अबव। जर्मन शेफर्ड एक बहुत ही हाईली ट्रेनेबल डॉग ब्रीड होता है और कोई भी काम उसे दो वो बखूबी निभाता है। आपका तीसरा सवाल है, हाउ फ्रीक्वेंटली शुड जर्मन शेफर्ड्स बी बाथ? इनको कितनी बार नहलाना चाहिए, कितने टाइम टाइम के बाद नहलाना चाहिए? पहला है वीकली, दूसरा मंथली, तीसरा एवरी 2 to 3 months, चौथा एवरी 4 to 5 months। तो दोस्तों, जब बहुत सारे डॉग एक्सपर्ट से पूछा गया तो उन्होंने बोला हर 2 से 3 महीने बाद ही जर्मन शेफर्ड को अच्छे से नहलाना चाहिए, क्योंकि अगर 2-3 महीने में ज़्यादा बार नहला दोगे तो उसके स्किन और कोट में जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं उन पे असर पड़ता है। पर दोस्तों, कुछ ऐसे वजह होंगे जब आपका डॉग बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, कीचड़ में खेल के आता है, पानी में गंदे पानी में खेल के आता है, तब तो आपको नहलाना ही पड़ेगा। दोस्तों, आपका चौथा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स इज कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब जर्मन शेफर्ड? मिस्चीवियस, अडॉप्टेबल, इंटेलिजेंट या फिर ओबीडियंट? तो दोस्तों, इसका जवाब है अडॉप्टिव। जर्मन शेफर्ड हर एक एनवायरनमेंट, हर एक वेदर, हर एक जगह, हर एक कंडीशन में अपने आप को अच्छे से अडॉप्ट कर लेता है, इसलिए सबसे बड़ा ट्रेड जर्मन शेफर्ड का है अडॉप्टिंग। आपके सामने पांचवा सवाल, हाउ मैनी जर्मन शेफर्ड्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम? हॉलीवुड के वॉक ऑफ फेम जो स्टार टाइप का बना होता है उसमें कितने जर्मन शेफर्ड ने रिप्रेजेंट किया है अब तक? 0, 1, 2 या 3? तो अभी तक 2 जर्मन शेफर्ड ने यहाँ पे स्टार में, वॉक ऑफ फेम में अपना नाम दर्ज कराया है। एक है कैनाइन सुपरस्टार रिन टिन टिन, जिन्होंने 27 फिल्मों में काम किया है, और दूसरे है स्ट्रॉन्ग हार्ट। आपका छठा सवाल, विच ऑफ दीज मेंशन्ड कलर्स इज द ओरिजिनल कलर ऑफ जर्मन शेफर्ड्स? इसमें से जर्मन शेफर्ड का ओरिजिनल कलर कौन सा है? ब्राउन, ब्लैक एंड ब्राउन, ब्राउन एंड टैन या ब्लैक एंड टैन? तो दोस्तों, सही जवाब है ब्लैक एंड टैन। आपका सातवां सवाल, व्हाट डॉग ब्रीडर डेवलप द जर्मन शेफर्ड? जर्मन शेफर्ड ब्रीड कौन से डॉग ब्रीडर ने डेवलप किया था? ए मैक्स वॉन स्टेफनिट्स, बी ऑटो वॉन बिस्मार्क, सी क्लाउस वॉन स्टटनबर्ग, डी लेरॉय शूमैकर? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है कैप्टन मैक्स वॉन स्टेफनिट्स।
इन्होंने 1800s में जर्मनी में जर्मन शेफर्ड ब्रीड को बनाया था। दोस्तों आपका आठवां सवाल, हु बॉट द जर्मन शेफर्ड टू अमेरिका, जर्मन शेफर्ड को अमेरिका में कौन लाया, ए पुलिस, बी थीव्स यानी चोर, सी साइंटिस्ट या डी सोल्जर्स। दोस्तों वर्ल्ड वॉर वन के बाद अमेरिकन सोल्जर्स जर्मन शेफर्ड से इतना इम्प्रेस हुए उसके इंटेलिजेंस से और उसके ट्रेनेबिलिटी से कि जर्मन शेफर्ड को वो अपने साथ अमेरिका ले आए। तो सही जवाब है सोल्जर्स। आपका नौवा सवाल, व्हाट वाज द जर्मन शेफर्ड ऑफिशियली कॉल्ड इन द यूके फॉर 60 ईयर्स, 60 सालों तक यूके में जर्मन शेफर्ड को क्या बुलाया जाता था, ए जर्मन स्पिट्स, बी वुल्फ स्पिट्स, सी इंग्लिश वुल्फ हाउंड या डी एल्सेशियन वुल्फ डॉग। दरअसल दोस्तों वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो यूके के केनल क्लब है उनको लगा कि जर्मन शेफर्ड में जर्मन नाम रखना सही नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन के बाद जर्मन शब्द की जर्मन लोगों के प्रति पूरे दुनिया की भावना अच्छी नहीं थी। इसीलिए दोस्तों यूके केनल क्लब ने जर्मन शेफर्ड से जर्मन हटा के एल्सेशियन रख दिया आल्सेस के नाम से। आल्सेस फ्रेंच बॉर्डर पे एक जगह का नाम था। आज का दसवां और आखिरी सवाल, अ जर्मन शेफर्ड होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर, जर्मन शेफर्ड ने किस चीज के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया था, ए फास्टेस्ट रनिंग, बी स्ट्रॉन्गेस्ट बाइट, सी लाउडेस्ट बार्क या डी टेनिस बॉल ईटिंग। तो दोस्तों इसका सही जवाब है लाउडेस्ट बार्क। 19 जून 2009 को एक जर्मन शेफर्ड जिसका नाम है डैज लाइटनिंग, उन्होंने इतनी तेज बार्क किया कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम शामिल हो गया। उसका जो बार्क है उसका माप था 108 डेसिबल्स। तो दोस्तों ये था आज का क्विज जर्मन शेफर्ड के बारे में। आपको कितने पॉइंट्स मिले, आपने कितने सही जवाब दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ऐसे शानदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।